टू माई चैनल क्रिएटिव यामिनी आर्ट। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक गोल्डन एंड ब्लैक कलर का। सो इसे कंप्लीट किया है मैंने एक लहंगी के साथ, आप देख सकते हो काफ़ी प्यारा लुक टर्न आउट हुआ है। तो यही लुक मैं आपके संग आज शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल फ्री है। पास ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उस पर भी हिट कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। चलते हैं वीडियो में कि इसे मैंने कैसे क्रिएट किया है। हेलो सन सन ब्लॉकेट एंड एंटी टैन क्रीम। सो ये एक मॉइस्चराइजर क्रीम है विद SPF। ये मैंने रिसेंटली लिया है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा बिकॉज कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है, क्रीमी फॉर्म का है। इसे सिर्फ आपको इजीली अप्लाई करना है, तो आपको कोई सनस्क्रीन यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है, सिंपली आप इसको अप्लाई कर लो। थोड़ा सा प्रोडक्ट ज़्यादा लेकर के आप अपने हाथों पर इसे अच्छे से पहले लगा लीजिए, देन अपने फेस पर ब्लेंड कर दीजिए, क्योंकि आप चाहे तो कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी लोशन भी यूज़ कर सकते हैं अपने हैंड्स के लिए, क्योंकि हैंड्स को भी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रिसेंटली मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ अपने हैंड्स को क्लीन करने के लिए, क्योंकि मेरे हैंड्स का कलर जो है ऑलमोस्ट क्लियर नहीं है, हाफ हाफ चेंज हो रखा है इस वजह से। सो मॉइस्चराइजिंग मैंने कर ली है। सो मैं यूज़ कर रही हूँ फेस सीरम के लिए गुडवाइज का रोज़ ईप रेडिएशन ग्लो फेस सीरम। ये बहुत अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड कर देता है, ग्लो प्रोवाइड कर देता है, तो एक मेकअप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्लो। मेकअप इसलिए करते हैं ताकि हमारे फेस पे अच्छा ग्लो रहे, शाइन रहे। सो आई थिंक ये सीरम फिनिश हो चुका है, बट मेरा काम हो जाएगा। मैंने लिया वेट एंड वाइट का फोटो फोकस प्राइमर और ये बहुत अच्छा लाइट फॉर्मूला का है, तो अगर आप हैवी मेकअप कर रहे हैं तो इस तरीके के लाइट प्रोडक्ट्स ही आप यूज़ करें। आप चाहें तो ब्लू हेवन का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर अफोर्डेबल रेंज में चाह रहे हैं तो 250 रुपीज़ का आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छा जेल बेस्ड प्राइमर है। सो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आप अफोर्डेबल रेंज के प्रोडक्ट्स चाहते हो तो उनकी भी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा तो थोड़े दिन में मैं अपडेट कर दूँगी इसमें लिंक्स प्रोडक्ट्स की। प्राइमर मैंने अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का ये प्राइमर प्लस फाउंडेशन विद द SPF 50 PA++। वाटर प्रूफ है ये, हाई कवरेज प्राइमर, इसमें प्राइमर भी है और फाउंडेशन भी है, तो आप चाहे तो अपना प्राइमर स्केप भी कर सकते हैं। पहले मैंने इसे ले लिया है, देन फिंगर की हेल्प से मैं पहले अप्लाई कर लूँगी, देन मैं ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। बहुत अच्छा कवरेज ये आपको प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छा, और टीनेजर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। मैंने जब इसे लिया था ये 260 रुपीज़ में मुझे पर्पल से मिल गया था, बट आई थिंक अब 350 रुपीज़ का हो गया है या आपको अंडर 300 रुपीज़ में ही मिल रहा है, क्योंकि रिसेंटली ही मुझे एक सब्सक्राइबर ने लिंक मांगी थी, तब मैंने प्राइस देखा था तो 260 रुपीज़ ही उसका प्राइस था। कंसीलर के लिए मैंने लिया है हाफ एंड हाफ का SD Pro कंसीलर, आई मीन दी शेड 04 IB। ये येलो टोन है, बहुत अच्छे से डार्क सर्कल्स को, आपके डार्क पॉइंट्स को हाईलाइट जो है हाइड कर देता है, और एक एज अ हाईलाइटिंग कंसीलर मैंने लिया है ताकि ये बहुत अच्छे से हाइड हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स लगते हैं मुझे मेरे फेस पे। ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड आउट कर लूँगी। ब्लेंडर के लिए मैंने नेक्स्ट प्रोफेशनल ब्यूटी ब्लेंडर लिया है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ये सारी शॉपिंग जैसे दिल्ली में लगती है 30 रुपीज़ की सेल सादा बाज़ार में, वैसे हमारे इंदौर में भी एक सेल लगती है, ब्यूटी मार्केट बोलते हैं जिसे, तो वहाँ पे इस तरीके के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो ये 30 रुपीज़ में मैंने ब्लेंडर लिया था और लिटरली बहुत अच्छा है। मैं एक अफोर्डेबल रेंज के ब्लेंडर आपके संग शेयर करने का सोच रही हूँ, अगर आप देखना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये लैक्मे 925 का फैनस द मैट कॉम्प्लेक्शन कॉम्पैक्ट, और ये काफ़ी अच्छा है, इसका शेड नेम बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छे से आपके डार्क सर्कल्स को, डार्क स्पॉट्स को हाइड कर देता है, कवरेज बहुत ही अच्छा है इसका, बहुत ज़्यादा अच्छा कवरेज है।
आप सिंपल से मॉइस्चराइजर के ऊपर भी इसको लगा सकते हो, आपको कोई भी बेबी क्रीम नहीं लगानी पड़ेगी, मैं इतना श्योरिटी से बोल सकती हूँ। बहुत अच्छी कॉम्पैक्ट है। इसको फिल इन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइट का अल्टीमेट ब्रो किट, कुछ इस तरीके का किट है इसमें। ये ब्राउन शेड ले रही हूँ, एक एंगल ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज को फिल इन कर लूँगी। नेचुरली ही मैं फिल इन करूँगी, ज़्यादा हैवी फिल नहीं करूँगी बिकॉज मेरा आई मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा, सो हैवी हैवी मेकअप ना लगे। SFR का ये आई शेडो पैलेट, पूरा आई मेकअप मैं इसी पैलेट से करने वाली हूँ। इसका बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आई एम इन दी शेड 02, सो फर्स्ट जो मैं शेड पिक कर रही हूँ ये ब्राउन शेड है अपनी क्रीज के लिए। हल्का सा ये शिमरी है, बट अगर इसे आप हल्के से हाथ से ब्लेंड करते हैं तो ज़्यादा शिमर नहीं लगता है। मैं पहले जूम कर लेती हूँ। पहले एक पॉइंटेड ब्रश मैंने लिया है, बहुत ही बारीक सा पॉइंटेड ब्रश लिया है। इस तरीके का ब्रश आपको लेना है और अपनी क्रीज को हल्का सा डिफाइन कर लेना है, शेप दे लेना है। यहाँ आप मैट शेड भी ले सकते हैं, बट मैं एक ही पैलेट से, इसी वाले पैलेट से पूरा आई मेकअप करूँगी, इस वजह से मैंने यही वाला ब्राउन शेड लिया है। आपका एक ही पैलेट अगर आप ऐसा ले लेते हैं कंप्लीट वाला, तो आपको कोई अलग से पैलेट नहीं लेना पड़ता है। काफ़ी सारे मार्केट में पैलेट ऐसे भी अवेलेबल होते हैं, आप एक पैलेट ले लो, उससे आप काफ़ी सारे आई मेकअप क्रिएट कर सकते हो। कुछ पैलेट ऐसे कि उसमें शेड्स तो बहुत सारे हैं, बट आप डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल मेकअप नहीं कर सकते हो। यू कैन सी ब्रश की हेल्प से मैं ब्लैक कलर पिक कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई दूसरा ब्रश भी ले सकते हैं, बट इस तरीके का बारीक ब्रश लेंगे तो बहुत अच्छे से आपका जो आउटर वी में ब्लैक कलर इंटेंस आना चाहिए वो अच्छे से आ जाएगा, ज़्यादा ब्लैक नहीं दिखेगा। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड पैलेट है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। यू कैन सी मैंने अच्छे से डस्ट ऑफ भी कर लिया है, बट फिर भी मुझे काफ़ी अच्छा। अगर आप चाहते कि थोड़ा सा कैट वी आए या विंग टाइप का आए, तो आपको इस तरीके से करना है और यू कैन ब्लेंड इट आउट। बहुत अच्छे से ब्लेंड करते जाना है, बिल्डअप करना है। आप चाहें तो प्रोडक्ट और ले सकते हैं अगर आप सिंगल सिर्फ ब्लैक चाहते हैं, बट यहाँ मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूँगी। एक सॉफ्ट ब्लैक स्मोकी आइज क्रिएट करने वाले हैं हम। हमें कोशिश करनी है कि हम इनर वी तक ना जाए, सिर्फ यहीं इसे ब्लेंड करें। और हमने जो ब्राउन शेड लिया था हमारी क्रीज को डिफाइन करने के लिए, उसके नीचे ही रहना है, मैं उसके ऊपर नहीं जाना है। सी बहुत अच्छे से सेम ब्रश ले रही हूँ और इससे ये डार्क पर्पल शेड पिक कर रही हूँ। और अपना जहाँ पर ब्लैक कलर मैंने ओवर किया था आउटर वी में, वहीं से इससे ब्लेंड करते हुए अपनी मिडिल आईलेट तक अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और दोनों को अच्छे से मिक्स आउट करने की कोशिश करूँगी, ताकि थोड़ा सा पर्पलिश ब्लैक आई मेकअप क्रिएट हो। अगेन इनर वी पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको अपनी मिडिल आईलेट तक ही पूरा काम करना होगा। अगेन मैं शेड पिक कर रही हूँ, देन इस तरीके से आपको डस्ट ऑफ करना है ताकि जो भी एक्सेस आपका शेड है प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाए। कितना प्यारा लुक टर्न आउट है, मतलब कितना प्यारा है। हमें अगेन अपना कंसीलर लेना है, क्योंकि हम अपनी आउटर वी में जो है इनर वी में जो है कंसीलिंग से अपने गोल्डन शेड को अप्लाई करने वाले हैं। अगर अभी हम अप्लाई करते हैं तो हमारा गोल्डन जो शेड है वो प्रॉपर नहीं दिख पाएगा, तो इस तरीके से आपको अपने इनर वी में कंसीलिंग करनी है। आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं। एक ब्रश ले लीजिए आप, सिंपल सा इस तरीके का ब्रश ले लीजिए, देन इसे अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। देन अब अगर हम हमारा गोल्डन शेड पिक करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसी ब्रश की हेल्प से मैं अपना गोल्डन शेड इस पैलेट से पिक कर रही हूँ। इसमें आपको बहुत अच्छा गोल्डन शेड मिलता है, मेरा फेवरेट है ये वाला शेड इस पैलेट का। सी जब आप इस तरीके से अपना गोल्डन शेड पिक करेंगे, बहुत ही प्यारा लुक आएगा, बहुत ही प्यारा आई मेकअप आपका टर्न आउट होगा। यू कैन सी
इसी से हम इसे ब्लेंड भी करते जाएंगे। थोड़ा सा प्रोडक्ट और लेना है, इस प्रोडक्ट को आपको डस्ट ऑफ नहीं करना है। यहाँ पर आप अपना शेड जो है स्पंज एप्लीकेटर जो इसके साथ आता है उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी फिंगर से भी यूज़ कर सकते हैं। सी पहले क्लीन ब्रश लेना है, देन इसको ऑल ओवर अच्छे से ब्लेंड आउट करना है ताकि थोड़ा सा आपका जो ब्लैक कलर फेड होकर के इक्वल हो जाए एकदम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये अलग से ना लगे। आईब्रोज को हाईलाइट करने के लिए मैं ले रही हूँ रेड एंड वाइट का ये हाईलाइटर एम दी शेड ब्लॉसम ग्लो, और इसी ब्रश की हेल्प से मैं अपनी इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर लूँगी, बिकॉज मैंने अपनी आईब्रोज फिल इन कर ली है तो मैं अपनी आईब्रोज को अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ। और बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है ताकि आपका मेकअप जो है आई मेकअप पर ज़्यादा हमें फोकस करना है, क्योंकि हम यहाँ पर लिप और जो है फेस एकदम न्यू टाइप का रखने वाला है। अपनी इनर कॉर्नर्स को भी मैं अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। मैंने लिया है ब्लू हेवन का ये लाइनर और इस सिंपल सा मैं लाइनर अप्लाई कर लूँगी थोड़ा सा अपनी आईज़ को डिफाइन करने के लिए। लैक्मे आइकॉनिक व्हाइट काजल, आप इस तरीके के मेकअप के संग अगर कुछ न्यू क्रिएट करती हो तो बहुत ही प्यारा लुक टर्न आउट होता है, खासकर इस तरीके का मेकअप जब ब्राइडल्स के लिए होता है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ब्राउन शेड को पिक कर रही हूँ एक एंगल ब्रश की हेल्प से नेक्स्ट, और थोड़ा सा डस्ट ऑफ करके अपनी वाटर लाइन में अच्छे से स्मोक आउट कर लूँगी थोड़ा सा स्मोक इफेक्ट के लिए। यहाँ पर हम हल्का सा आउटर व्यू में वाटर लाइन में ब्लैक कलर को अप्लाई करेंगे बहुत हल्का सा। इवलिन द लास्ट सेंसेशन मस्कारा, ये वाटरप्रूफ वाला नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे वाटरप्रूफ भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे से कर्ल कर देता है, लेंथनिंग दे देता है, आपको वॉल्यूम भी बहुत अच्छा देता है, तो इस तरीके के मस्कारा से आपको आईलैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस। जब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रॉस का ये ब्रॉन्जर पैलेट एंड इन दी शेड 05। ये दो शेड को मिक्स करके मैं ब्रॉन्ज अप करती हूँ लाइट एंड डार्क। इस तरीके से जब आप ब्रॉन्जिंग करते हैं बहुत अच्छे से ब्रॉन्जिंग होती है, और इस तरीके के ब्रश से करने से पॉइंटेड आपको एक शार्प एजेस भी मिलता है। लाइटर शेड प्लस डार्कर शेड को दोनों को मिक्स करके हल्का सा मैं अपनी नोज को भी ब्रॉन्ज अप कर लूँगी। हिल रोज के इस फोर कलर ब्रॉन्जर पैलेट की हेल्प से मैं ये दो शेड को पिक कर रही हूँ, देन बहुत ही लाइटली मैं ब्लशिंग कर लूँगी। मैं ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया फेस मेकअप हमें बिल्कुल लाइट रखना है ताकि हमारा आई मेकअप पे ज़्यादा फोकस रहे। वाइट के हाइलाइटर की हेल्प से अपना फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी, और इसके लिए मैंने एक फैन ब्रश लिया है और ब्लॉसम ग्लो इसमें मेरा शेड है, बहुत अच्छा शेड है इसमें, आपको आई थिंक काफ़ी सारे शेड्स यूज़ कर रही हूँ। रेड एंड वाइट की कैस्ट्रेट लिक्विड एम इन दी शेड गिव मी मोका, ये बहुत ही प्यारा न्यूट शेड है मेरे पास, सो लिपस्टिक के लिए मैं ही यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो डायमंड डस्क एम इन दी शेड 02। इससे केवल मैं अपनी इनर कॉर्नर्स को हल्का सा हाईलाइट कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे लिक्विड आई शेडोज हैं ये, और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा लुक चेंज हो जाता है जब आप इस तरीके के हाईलाइटर्स से या लिक्विड आई शेडोज से अपना मेकअप क्रिएट करते हैं। तो सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का ये मेकअप सेटिंग स्प्रे, जो कि मेरा फेवरेट वन है। फाइनल लुक यू कैन सी, कुछ इस तरीके से ये टर्न आउट हुआ है, और इसे मैंने विद ज्वेलरी और बिंदी के संग कंप्लीट किया है। वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल फ्री है, पास ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन रहेगा उस पर भी हिट कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय।